राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशीलता। दरअसल भारत बंद से राजधानी जयपुर और अन्य बड़े शहरों में नहीं रुका आवश्यक काम। ऑनलाइन डिलीवरी से लेकर कैब सर्विस और अन्य आवश्यक सर्विसेज के लिए बेहद आवश्यक इंटरनेट, और यदि इंटरनेट किया जाता बंद तो ऐसे लोगों के लिए काफी समस्या खड़ी हो जाती। राजस्थान में ही हजारों की संख्या में ऐसे लोग जिनका गुजारा ऑनलाइन सर्विसेज के सहारे ही चलता है। कुछ अधिकारियों ने सुझाव दिया कि इंटरनेट पूरे तरीके से बंद कर दिया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री ने अति आवश्यक क्षेत्र में ही इंटरनेट कुछ देर के लिए बंद करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने अपने इनपुट्स के आधार पर इंटरनेट चालू रखने के दिशा निर्देश दिए। पुलिस और प्रशासन को इस लिहाज से व्यवस्था संभालने के दिशा निर्देश मिले उच्चतम स्तर से। ऐसे में राजस्थान में महज एक छोटी सी घटना के अलावा शांतिपूर्ण रहा बंद। वहीं दूसरी तरफ इंटरनेट से जुड़े व्यापार करने वाले लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई। ये बेहद अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और प्रदेश के मुखिया की गंभीरता भी इस पूरे मामले में नजर आती है। वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। ऐश्वर्य, वाकई में बहुत बड़ा विषय है क्योंकि एक छोटी सी अफवाह भी आजकल इंटरनेट में धमाल मचा देती है और बहुत सारी अफवाहों को जन्म दे देती है, और ऐसे में इंटरनेट चालू रखना वो भी कुछ जगहों को छोड़कर ये बेहद गंभीर विषय था और ये बहुत बड़ा टास्क भी था जिसमें सफलता हासिल हुई है। लेकिन इसके सोच के पीछे क्या कारण रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर मजबूती क्या एक महत्वपूर्ण कारण माना जाए जिस तरीके से प्रशासन की व्यवस्था भी रही है? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सुझाव आया कि जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर आई है उसमें सुझाव आया था कि इंटरनेट को बंद कर दिया जाए। जो जितना जिस लिहाज से बात की गई तो मुख्यमंत्री ने कहा कि इंटरनेट से आपको मालूम है कितने लोग जुड़े हुए हैं। अगर हम छोटी मोटी डिलीवरीज की बात करते हैं तो जोमेटो है, स्विगी है, इस तरीके की ऑनलाइन कंपनियां हैं, या ओला कैब, उबर कैब, या बहुत सारे ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिनसे लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। कई लोग ऐसे हैं जो नियमित तौर पर उन्हीं के ऊपर डिपेंड है। जैसे कोई टैक्सी चलाता है तो डिपेंड है वो रोजाना की उसकी कमाई उसी तरीके से उसके घर की गुजर बसर होती है, तो ऐसे में एक दिन की छुट्टी उसके लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन जाती है। तो मुख्यमंत्री ने एकाध अगर जगह को छोड़ दें तो उनकी विशेष आवश्यकता को देखते हुए उनके लिए भी एक नियत समय पे बंद हुआ था इंटरनेट और उसके बाद चालू हो गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप व्यवस्थाएं इस तरीके से करो, पुलिस और प्रशासन को सख्त तरीके से कहा कि व्यवस्थाएं ऐसे हो कि किसी व्यक्ति को भी परेशानी नहीं हो, और जो लोग बंद करके अपना एक संदेश देना चाहते हैं तो उनका भी अपना एक संदेश लोकतंत्र में लोकतंत्रीय व्यवस्थाओं के लिहाज से ऊपर तक चला जाए। तो इस लिहाज से ये पूरा कार्यक्रम हुआ और ये अपने आप में एक बड़ी बात है। वरना अगर हम पिछले सालों की अगर बात करते हैं तो छुटपुट घटनाओं से, जैसे मिसाल के तौर पर भी 2 दिन पहले 4 दिन पहले शास्त्री नगर में घटना हुई थी, तो ऐसी घटनाओं पर पूरे शहर में इंटरनेट जाम जैसी स्थिति हो जाती थी, या इस तरीके की इतनी बड़ी जो घटना है उस पर इंटरनेट बंद कर दिया जाता था। तो मुख्यमंत्री की यही मंशा थी कि नेट को कम से कम बंद ना किया जाए, क्योंकि ये एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर महामंत्री तक का सफर मुख्यमंत्री ने किया था जब मुख्यमंत्री बने थे उससे पहले, तो इन सारी परेशानियों से वो खुद भी जूझते थे और सामान्य कार्यकर्ता, सामान्य जन को भी देखते थे। तो उन्होंने सामान्य व्यक्ति को देखते हुए ये फैसला मुख्यमंत्री की तरफ से लिया गया। मुख्यमंत्री ने जो ये फैसला लिया, अपने उच्च अधिकारियों को ये दिशा निर्देश जो दिए, उसका प्रतिफल ये निकला कि आम जन को परेशानी नहीं हुई, क्योंकि आम जन सबसे ज्यादा जुड़ा रहता है ऐसी चीजों से। छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे बिजनेस है, मिसाल के तौर पर आज की तारीख में कोई छोटे छोटे दुकानदार भी हैं तो वो भी ऑनलाइन पेमेंट लेना पसंद करते हैं, या उनके पास जो ग्राहक आते हैं वो भी ऑनलाइन पेमेंट देते हैं, और मतलब हर चीज अगर देखा जाए तो इंटरनेट से जुड़ी हुई है। तो इस चीज को महत्वपूर्ण मानते हुए मुख्यमंत्री ने ये प्रयोग किया और प्रयोग लगभग 100% ही माना जाए सफलता की ओर रहा और सफल रहा। एक घटना हुई छोटी, उस घटना के अलावा जो कि घटना बिल्कुल अलग थी, जिसे भले ही अलग अंदाज में पेश किया गया हो, तो उसके अलावा शांतिपूर्ण रहा। लोकतंत्रीय व्यवस्थाओं के लिहाज से जो लोग संदेश देना चाहते थे, SC ST तबके से जुड़े लोग थे, उनका संदेश भी सरकारों तक पहुंचा, चाहे राज्य सरकार या भारत सरकार तक पहुंचा। तो ओवरऑल कहा जाए तो ये मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता इस फैसले में दिखी। चलिए ठीक है, आप बने रहिएगा ऐश्वर्य, क्योंकि एक और अहम जानकारी आप